हेलो गाइस, तो बात करने वाले कोड डॉ सतोशी माइनिंग कॉइन के अपडेट्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर ये कोड डॉ के ऑफिशियल मेननेट लॉन्चिंग डेट से रिलेटेड, जहां की गाइस कोर के ऑफिशियल डिस्कॉर्ड चैनल में उनके मॉडरेटर ने कुछ अपडेट दिए, तो क्या है उसको समझेंगे। और गाइस साथ ही साथ कोर ने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए लिस्टिंग से रिलेटेड, तो क्या है पूरा डिटेल में जानने वाले इस वीडियो में। चाल प्लीज और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो यार डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काफी लोग बोलते हैं स्कैम प्रोजेक्ट, तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं ये स्कैम प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि गाइस कोर के ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर में यहां पे मॉडरेटर ने कुछ बताया है। अगर आप यहां पे देखोगे तो आस्क अपने से क्वेश्चन पूछो गाइस, क्योंकि कोर अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट है, जितने भी नेटवर्क जो माइनिंग के प्रोजेक्ट होते हैं, ऑलरेडी आपसे काफी कुछ लेते हैं लेकिन आपको रिटर्न कुछ नहीं देते। बट कोर ने कोर के पास ऑलमोस्ट 60 मिलियन डॉलर वर्थ का जो है बीटीसी अभी तक गाइस माइनर्स को बोनस के रूप में दे दिया है। अगर आपको याद होगा तो गाइस 100 पीपल को लोग रेगुलर बेसिस पे गाइस 888 डॉलर वर्थ रुपीज का बीटीसी एवरी डे प्रोवाइड किए हैं 2 साल तक। और गाइस जो वीकली कॉन्सर्ट भी लगते थे गाइस, जहां पर वीकली लोग 800 डॉलर तक का गाइस यहाँ पे गिव अवे रखते, तो काफी कुछ कोर ने ऑलरेडी दे दिया है। तो गाइस आप खुद समझो, कोर अभी टॉप 3 बेस्ट ब्लॉकचेन ऑडिटर्स के साथ यहां पे कोलैबोरेट किया और गाइस ऑडिट कर रहा है। तो गाइस आप समझ जाओ कैसे ये स्कैम हो सकता है, अगर इतना ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो गाइस कहीं ना कहीं कुछ बड़ा सोच रहे हैं। और गाइस सही में कोर एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा विजन लेके आया है। अगर आप कोर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जाओगे तो गाइस इन्होंने, अगर आप देखोगे इनका फॉलोइंग में, तो गाइस काफी लोग को इन्होंने ऑलरेडी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। पहले गाइस 4 to 5 फॉलोइंग्स होती थी, लेकिन अगर आपको याद होगा तो कोर ने जब इसमें सर्टिक्स की ऑडिट हुई थी, हेलबाउंड की ऑडिट हुई थी, तो गाइस उससे पहले गाइस इन्होंने इनको फॉलोइंग करना स्टार्ट कर दिया था। उसी तरह अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोर ने ऑलरेडी MEXC ग्लोबल को फॉलोइंग कर रहा है, उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे कुकॉइन को फॉलोइंग कर रहा है, ह्यूबी ग्लोबल को फॉलोइंग कर रहा है, और भी काफी एक्सचेंजेस। बस गाइस मैं आपको टॉप टियर 1 एक्सचेंजेस की बात कर रहा हूँ। बाइनेंस तक को गाइस ये फॉलो कर रहा है, कॉइन बेस को फॉलो कर रहा है, कैरेकेन को फॉलो कर रहा है। तो समझ जाओ गाइस कोर का काफी बड़ा विजन है। जैसे गाइस इनका मेननेट लॉन्च होगी तुरंत ही गाइस जो लिस्ट कर देंगे डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस पर, तो समझ जाओ गाइस प्राइस कितना ज्यादा पंप करेगा। टॉप टियर 1 एक्सचेंज लिस्टिंग की बात करें, हालांकि ऑफिशियल न्यूज नहीं गाइस, लेकिन जो पिछला डाटा जो हो रहा था गाइस उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि ये आपको होने की पूरी पूरी संभावना है। कोर ने ऑलरेडी बताया गाइस मेननेट कभी भी आपको लॉन्च होता दिख सकता है। लोग काम कर रहे हैं मेननेट का फाइनलाइजिंग करने में, जल्दी गाइस कमिंग सून है, मतलब गाइस तुरंत ही आपको मेननेट आज भी आपको देखने मिल सकता है, कल भी देखने मिल सकता और गाइस कभी भी देखने मिल सकता है। उसके बाद देख लो गाइस रूमर्स देख लो मार्केट में क्या निकल रही, कॉइनबेस, ह्यूबी ग्लोबल, बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंज में लिस्ट होगा, जो काफी बड़ी बात नहीं है कोर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कोर ने काफी कुछ अचीव कर लिया है। 8 मिलियन का गाइस एक्टिव होल्डर्स इनके पास है। अभी अगली अपडेट की बात करें तो गाइस यहां पे काफी बड़ा ट्वीट निकल कर आ रहा है, जहां पे देखोगे तो गाइस यहां पे कभी भी कोर ने ऐसा नहीं बताया कि मेननेट जो लॉन्च होगी तुरंत ही लॉन्च होगी, जैसे गाइस इनका एयर ड्रॉप कंप्लीट हो जाएगा। इन्होंने अभी कंफर्म किया टीम ने कि इन लोग गाइस टोटली फोकस करें लॉन्चिंग ऑन मेननेट। तो गाइस थोड़ा सा डिले हो सकती है, क्योंकि अभी जैसे इन्होंने बताया कि इफ ऑडिटिंग कुड बी पास मेननेट विल कम, जैसे गाइस ऑडिटिंग पास होगी तो तुरंत मेननेट भी आ जाएगा। कोर क्वाइन जो है Web3 का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी आप अपना डाउट में रखिए, प्रोजेक्ट को रुइन मत करो, मतलब बर्बाद मत करो, क्योंकि इस कोर में काफी बड़ा यहां पे कुछ होने वाला है। तिल दिन गाइस अच्छे प्रोजेक्ट में पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी गाइस यहां पे अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगली अपडेट की बात करें तो गाइस कोर डॉ में ऑलरेडी आपको मैंने बताया था कि गाइस कोर डॉ ने अपना ऑफिशियल NFT प्लेटफॉर्म, काफी कुछ ऑलरेडी ये लोग अचीव कर रहे हैं, तो जरूर गाइस आप इसको नजर रख सकते हो। मेननेट लॉन्चिंग रिलेटेड बता दिया, और गाइस काफी कुछ स्कैम भी हो रहे हैं मार्केट में, तो उससे जरूर बच के रहना। जब तक गाइस ऑफिशियल कुछ अपडेट नहीं आता तब तक आप यहां पे कुछ बिलीव मत करना, बाकी गाइस कुछ भी अपडेट होती तो मैं ऑलरेडी बता दिया हूं। तो गाइस जैसे ही कोर लॉन्च होगी तो गाइस आपको यहां पे बाइनेंस जैसे बड़े बड़े एक्सचेंज में देखने को मिलेगा, तो आप अभी से ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। ट्रेडिंग नहीं आता गाइस तो बाइनेंस ऐप डाउनलोड कर लो, नीचे आपको लिंक दिया रहेगा, लिंक पर क्लिक करोगे तो गाइस बाइनेंस में अपना अकाउंट बना लो और वहां पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स कोर डाओ कॉइन से रिलेटेड। आशा करता हूं गाइस वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं गाइस आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।